नमस्कार दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूं और आशा करता हूं कि इन प्रश्नों से आपको निश्चित रूप से ज़रूर फायदा होगा। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र परीक्षा के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला, संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय दिया। किसने दिया दोस्तों? टालमैन ने दिया। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक सीखने में बाधक है? उत्तर, प्रदूषण। ये हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, तो दोस्तों इसे नोट भी करते जाए। प्रश्न नंबर तीसरा, अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत किसने दिया? तो उसका उत्तर है एच वर्ग ने। प्रश्न नंबर चौथा, थार्नडाइक 1898 में अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? तो थार्नडाइक ने दोस्तों अपना जो प्रयोग था वो बिल्ली पर किया था। प्रश्न नंबर पांचवा, पर्यवेक्षण अधिगम इनमें से किसकी देन है? तो इसका उत्तर है पावलोव। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर छठे पर, जो कि हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है, अधिक बार पूछा गया है। वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता या घटाता है, तो वह कौन सा कारक है दोस्तों? इसका उत्तर है अभिप्रेरणा। बिल्कुल इसे नोट करते जाए दोस्तों। प्रश्न नंबर सातवा, आर तथा आर एस संबंध दोनों ही विद्यमान होते हैं, किसके सिद्धांत में होते हैं? तो इसका उत्तर है थार्नडाइक के सिद्धांत में। बिल्कुल इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है ये। प्रश्न नंबर आठवा, बालक में अधिगम उन्नयन की प्राथमिक अवस्था है, तो बालक में अधिगम के उन्नयन की प्राथमिक अवस्था कौन सी है दोस्तों? अनुकरण। इसका उत्तर है अनुकरण। प्रश्न नंबर नौवा, निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? तो छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना कौन करता है दोस्तों? प्रार्थना सभा, जी हाँ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, उपहार का संबंध है, तो उपहार का संबंध किस विधि से है? उत्तर है इसका किंडरगार्टन विधि से। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए, ये आपके बहुत ही काम आने वाला है परीक्षा में, इसमें से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।